नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको अप्लाइड फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको 15 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि जो छात्र छात्रा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं, ये जो 15 आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इस बार भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें एक नंबर वाले भी हैं, 5 नंबर वाले भी हैं, इसमें हमारे 2 नंबर वाले भी प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप ये 15 क्वेश्चन करके जाते हो तो आपकी बैक तो बिल्कुल नहीं लगेगी और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी विमा नहीं होती है, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी विमा नहीं होती है। आपको एक भौतिक राशि का नाम लिखना है जिसकी विमा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या में संबंध बताइए। आपको जड़त्व आघूर्ण में और घूर्णन त्रिज्या में संबंध बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई अथवा सतह से लगभग कितनी होती है, सतह से कितनी होती है। मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि भू स्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी सतह से लगभग कितनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अंशरक्षी बल के एक उदाहरण को लिखिए। आपको अंशरक्षी बल का एक उदाहरण यहाँ पे लिखना है। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये एक 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रेखीय प्रसार गुणांक के सूत्र को लिखिए। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि रेखीय प्रसार गुणांक के सूत्र को लिखिए। छठा क्वेश्चन है, द्रव में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम लिखिए, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन है, विमा के एक रूपल सिद्धांत को समझाइए। आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है, जिसमें लिखा है कि विमा के एक रूपल सिद्धांत को समझाइए। आठवां क्वेश्चन, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच में संबंध बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको 100% एग्जाम में मिलेगा कि रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के केपलर का नियम लिखिए। आपको केपलर्स लॉ यहाँ पे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है केपलर्स लॉ, ठीक है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग की गणना करो। आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की संभावना है। आपको इसमें पृथ्वी पर पलायन वेग की कैलकुलेशन करनी है। 11वां क्वेश्चन है, संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। संरक्षी बल को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। 12वां क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। और 13वां क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन क्या होती है, बर्नौली थ्योरम्स की प्रिंसिपल्स क्या होती है, बर्नौली थ्योरम्स क्या होती है, ठीक है। डायग्राम बनाना है आपको, पूरी सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण को परिभाषित कीजिए। चलते वाहन आदि में घर्षण के उपयोग को समझाइए। आपको घर्षण को परिभाषित करना है, मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, और चलती गाड़ी में फ्रिक्शन के यूज कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत और पृष्ठ तनाव, ठीक है। आपको पहले बताना है ब्लैक होल सिद्धांत क्यों ना था, पृष्ठ तनाव बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी आज की इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, 15 में से कम यहाँ से ही 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर वो हो गए। बाकी आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग आपको 30 प्लस नंबर का आज की इस वीडियो से मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर रट के जाइए, चाहे कुछ भी कीजिए पर अच्छे से करके जाइए। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको इनके सोल्यूशन भी चाहते हो आप, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप बोलोगे तो मैं इनके सोल्यूशन भी आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हमारे चैनल के साथ। टाटा, बाय बाय।